नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक लैपटॉप आया हुआ है जिसमें पानी चला गया है। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आयो है, आयो पर आप देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से ये फंगस लग गया है इसके आयो के पिन में, जिस वजह से ये ऑन भी नहीं हो रहा है। कितना गंदा भी बोर्ड है, आप देख सकते हैं कितना डस्ट इस बोर्ड पे चिपका हुआ है। तो ये लैपटॉप चलते चलते अचानक ऑन होना बंद हो गया है। अब बोर्ड पे गंदगी आप देख सकते हैं। इसको खोलते हैं, सबसे पहले बोर्ड को बाहर निकालते हैं। आयो पे पानी जाने की वजह से ये ऑन होना ही बंद हो गया है और इसके पिन बहुत बुरी तरीके से डैमेज दिख रहे हैं। ऐसे कंडीशन में लैपटॉप चलना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले इसके डस्ट को साफ़ करेंगे, ब्रश लेके हल्के हाथों से डस्ट को साफ़ करेंगे। पहले बहुत गंदा बोर्ड हो गया है। इस तरह से गंदगी अगर बोर्ड पर रहेगी तो दिक्कत करेगा ही, किसी चीज़ का बोर्ड हो। बोर्ड साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी वो अच्छे से वर्क कर पाता है। ये डस्ट होने की वजह से बोर्ड में ये समस्या जल्दी आ जाती है। अभी ये ठंडी का महीना है, जनवरी का, तो हवा में मॉइस्चर होने की वजह से डस्ट में भी मॉइस्चर आ जाते हैं, जिस वजह से बोर्ड शॉर्ट हो जाते हैं। को केमिकल से अच्छे से साफ करेंगे, जिस वजह से ये जो फंगस लगा हुआ है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि यही आयो है, अगर आयो के पिन गंदे रहेंगे, फंगस लगा रहेगा, ये ख़राब रहेगा तो बोर्ड ऑन नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको अच्छे से साफ़ करते हैं। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देख सकते हैं पिन दिखने लगा है, अब साफ नज़र आ रहा है। और केमिकल से इसको अच्छे से साफ करते हैं। ये आइसो प्रोफाइल नहीं है दोस्तों, अब देख सकते हैं पिन कैसे साफ हो गया है। अब इसको आइसो प्रोफाइल हल्के से डाल के इसको अच्छे से साफ करेंगे। इसमें कस्टमर का कहना है कि इसमें पानी चला गया था, टच पैड के नीचे से हार्डगन बाहर के, इसको अच्छे से ड्राई करते हैं, अच्छे से बोर्ड को सुखा लेंगे। इस बोर्ड में कोई भी समस्या नहीं था, बस इसी में पानी जान आयो में पानी गिरने की वजह से ऑन होना ही बंद हो गया था। जब मैंने बोर्ड खोला तो देखा आयो बहुत बुरी तरीके से फंगस लग गया था आयो में, तो उसमें हमने कुछ किया नहीं है, बस आयो को पिन को अच्छे से साफ कर दिया है। उसके बाद हार्ड गन से अच्छे से इसको सुखवा देंगे। उसके बाद जो बोर्ड में डस्ट वगैरह थे उसको सारे साफ कर दिए ब्रश से। अब हल्का से इसको भी बोर्ड को भी सेक देंगे, जिस वजह से जो मॉइस्चर बोर्ड में नमी होगा वो ख़त्म हो जाए। वो जितना ड्राई रहेगा उतने अच्छे से वर्क करेगा।
बहुत हल्का ही सुखाना है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है बोट को। इसको थोड़ा देर ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, आप देख सकते हैं एकदम क्लीन हो गया है। सप्लाई देते हैं, कनेक्टर लगाते हैं, दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पावर जल गया, ये ऑन हो गया। इसमें फैन लगा के चेक करेंगे, फैन लगा दिया कनेक्टर, इसका लगाते हैं फैन का। उसके बाद मैं चालू करके दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देख सकते हैं बोर्ड ऑन हो गया, बोर्ड ऑन हो गया है। मैं आपको डिस्प्ले भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने यूएसबी लगा दिया कीबोर्ड, ये आप देख सकते हैं नेम लॉक का बटन चालू बंद हो रहा है, जिससे कि हमारे बोर्ड में डिस्प्ले भी आ गया, फैन भी चल रहा है। देख सकते हैं 7 एम्पियर को ऊपर लोड भी लिया है। आईओ भी देख सकते हैं आप, इतना क्लीन है। इसके पिन जो डैमेज दिख रहे थे पानी की वजह से, हमने साफ कर दिया है। लैपटॉप हो गया दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी पूरी कोशिश रहती है दोस्तों कि मैं आपको रिपेयरिंग सिखा सकूं। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बोट को कस दिया है, मैं आपको डिस्प्ले में दिखाने की कोशिश करूंगा। ऑन ऑफ लगाते हैं, उसके बाद बोट को ऑन करते हैं। ये कंपैक्ट का लैपटॉप है, बहुत पुराना मॉडल है, ऐसे लैपटॉप बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऑन हो गया दोस्तों, आप डिस्प्ले देख सकते हैं। डेट एंड टाइम सेट करने के लिए बोल रहा है, ये आ गया डिस्प्ले। अब बोर्ड को प्रॉपर कर देंगे।